इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मॉडल के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। कॉग्निशन में हम केवल इंफॉर्मेशन टेकिंग और रिट्रीवल के बारे में नहीं पढ़ते, इसमें हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लर्निंग कैसे होती है, इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होता है, और भी चीज़ें हम कॉग्निशन के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब है चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर, यानी इंफॉर्मेशन में किसी भी तरीके का चेंज। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ह्यूमन थिंकिंग को समझने के लिए एक अप्रोच है, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक अप्रोच है जिसके अंदर हम ह्यूमन थिंकिंग को समझते हैं। इसकी शुरुआत 1940 और 1950 के दशक में हुई। इसमें ह्यूमन को कंप्यूटर से कंपेयर किया जाता है, जिसमें माइंड को सॉफ्टवेयर और ब्रेन को हार्डवेयर के रूप में देखा जाता है, और इसका प्राइमरी एरिया है मेमोरी। यानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में मेमोरी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। आगे देखते हैं वॉग एंड नॉर्म्स मॉडल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इन्होंने 1965 में एक थ्योरी डेवलप की, जिसमें इन्होंने मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसे शॉर्ट टर्म स्टोरेज सिस्टम कहा गया, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज सिस्टम कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी इंडिपेंडेंट होती है और इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी एक टाइम पर हम लिमिटेड चीज़ों को ही याद कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि मेमोरी लॉस होने का कारण ये नहीं है कि टाइम के साथ इंफॉर्मेशन पुरानी होती जा रही है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। वॉग और नॉर्म्स ने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक 16 डिजिट की लिस्ट बनाई, यानी 16 अलग अलग नंबर्स लिए, और उन्होंने अलग अलग लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार उन्होंने इन 16 नंबर्स को एक एक सेकंड का गैप लेकर बोला, और दूसरे केस में उन्होंने टाइम गैप को बढ़ाकर 4 सेकंड कर दिया, यानी 4 सेकंड बाद अगला नंबर बोलने लगे वो। उनका ऐसा करने का पर्पस ये देखना था कि क्या टाइम भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे किसी चीज़ को याद करने के लिए, यानी अगर समय ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या चीज़ें भी ज़्यादा देर तक याद रहती है या नहीं। तो इन्होंने टेस्ट के रिजल्ट में ये पाया कि वो टाइम गैप कितना भी ले, पर वो थोड़े समय के लिए ही याद रख पा रहे थे। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम इंफॉर्मेशन इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, यानी जब हम न्यू इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंटरफेयर क्रिएट करता है, जिस कारण हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं।